हमारी सेहत और हमारे बीच हमेशा एक दीवार खड़ी रहती है और वो है जीभ। हम आज भी अपनी जीभ के गुलाम हैं। ऐसे में हम ऐसी बहुत सी चीज़ों का सेवन करते हैं जो हमारी सेहत के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि इन चीज़ों के सेवन से हमारे दिमाग तक खून पहुँचना भी बंद हो सकता है। इतनी सब जानकारी के बाद भी लोग इन खानों को बहुत ही स्वाद के साथ खाते हैं। ऐसे में अगर आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी खाने की चीज़ों से आपके दिमाग पर असर पड़ सकता है। साथियों, दिमाग हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी अंगों में गिना जाता है। शरीर को बेहतर ढंग से चलाने के लिए इनका अहम रोल होता है। ऐसे में ज़रूरी है इनका सही तरीके से ख्याल रखा जाए। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर इसे दुरुस्त रखा जा सकता है। हेल्दी डाइट खाने से दिमाग सही तरीके से काम करता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग के लिए टॉनिक का काम करती हैं। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो दिमाग को खोखला बना सकती हैं। इन्हें खाने से दिमाग बुरी तरीके से प्रभावित होता है और उनमें सबसे पहला नाम है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जैसे पेस्ट्री, केक, फ्रेंच फ्राइज यानी बाहर का खाना खाने से डिप्रेशन और स्ट्रेस का खतरा बढ़ सकता है। इन चीज़ों को खाने से मेमोरी कम होने की भी शिकायत हो सकती है। कई बार हाई फैट डाइट से दिमाग में सूजन आ सकती है, जो बेहद खतरनाक होती है। दोस्तों, अगली खाने की चीज़ है मीठे फूड्स। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़रूरत से ज़्यादा मीठा शरीर के लिए हानिकारक है। इससे दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। ज़्यादा मीठा खाने से दिल की बीमारियों के साथ साथ दिमाग की बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे सीखने की क्षमता, मेमोरी लॉस, न्यूरॉन की ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। साथ ही आपको ट्रांस फैट खाने से भी बचना चाहिए। ट्रांस फैट दिमाग में सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक तरीके से अननेचुरल फैट होते हैं, जिससे खाने से दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। ट्रांस फैट दिमाग में सूजन का कारण बन सकता है। इससे दिमाग की प्रोडक्टिविटी और नेचुरल ग्रोथ एक्टिविटी रुक सकती है। ट्रांस फैट यानी मांस, डेयरी प्रोडक्ट और बाजारों में मिलने वाले वनस्पति तेल में पाया जाता है। दोस्तों, आपको रिफाइंड कार्ब्स से भी बचना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पास्ता, कुकीज़ जैसे रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये दिमाग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन सब फूड आइटम में ना ही फाइबर पाया जाता है और ना ही किसी तरह का पोषक तत्व। इन्हें खाने से शुगर और इंसुलिन का लेवल तो बढ़ता ही है, साथ में याददाश्त भी खराब हो सकती है। दरअसल रिफाइंड कार्ब्स फूड का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेमोरी लॉस का भी कारण बन सकता है। और सबसे ज़रूरी, जिसका सेवन लोग भारी मात्रा में करते हैं लेकिन उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो है अल्कोहल। बहुत ज़्यादा शराब यानी अल्कोहल पीने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये केवल लिवर या डाइजेस्टिव सिस्टम तक नुकसान नहीं पहुँचाता, ये ब्रेन की नसों को भी डैमेज कर सकता है, इसलिए इससे ज़रूर बचना चाहिए। साथियों, अगर आप भी इन फूड का सेवन करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके दिमाग की हालत को ख़राब कर सकते हैं। ऐसे में आपको सतर्क और सावधान होने की बहुत ही ज़रूरत है और ख़ासकर अपने डाइट पर ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।